यह पूस की रात है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी में जाड़े का चित्रण अगर जीवंत प्रमाण देखना है तो आप स्क्रीन पर अपना ध्यान टिकाए रखें। ऐसा नहीं है कि कंबलों में ठंड से बचने की असफल कोशिश करने वाले ये लोग सिर्फ यात्री हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर रोजी रोटी में लगे रहते हैं और शाम में नवगछिया स्टेशन को ही आश्रय स्थल बनाते हैं। ठंड की मार से सिर्फ यात्री ही बेजार नहीं हैं, ठंड ने ट्रेनों की रफ्तार को भी कम कर दिया है। कोई भी ट्रेन समय से नहीं पहुंच रही, लिहाजा भीषण ठंड में यात्रियों के पास ठंड में कांपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नवगछिया स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था तो है, लेकिन 5 से 10 लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। यहाँ नगर पंचायत की तरफ से अलाव घूर का व्यवस्था तो किया गया है, लेकिन अपेक्षा के हिसाब से कम लोगों को ही वह गर्मी प्रदान करने में सक्षम है। ठंड में ठिठुर रहे लोगों के पास जब हमारे पत्रकार अंजनी कश्यप बातचीत करने गए तो उनकी आलोचना और समालोचना के केंद्र में ठंड थी। नवगछिया से मोबाइल कैमरे के साथ देखें एक खास खबर अंजनी कश्यप के साथ। कहाँ जाना है? अमृतसर। कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं? इस्माइलपुर बिट्टा। ये ठंड में अब यहाँ से इस तरह से बैठे, इसके लिए क्या लग रहा है? ठंड में कितना ठंड है? ठंड तो बहुत है, काफी ठंड है। क्या नाम है, परिचय? नाम क्या हुआ? परवीन यादव। कहाँ से आए हैं? भागलपुर जीरो भागलपुर। कहाँ जाना है? कटिहार। ठंड में इतनी कपकपाती ठंड में आप इस तरह से हैं, स्टेशन से क्या व्यवस्था है यहाँ, क्या लग रहा है व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं जोर से, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग ठंड में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोई वेटिंग रूम भी नहीं है, किधर बैठने का जगह है। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। कहाँ के हैं? भागलपुर। कहाँ जाना है? यहाँ पे कैसे रह रहे हैं इतनी बड़ी ठंड में? कहाँ के हैं आप रहने वाले? चला चुनार बुआ में बिठाया, कोई नहीं आता। ये पन्नी बिछा के इतनी ठंड में रह रहे, अभी तक कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला बेटा, कुछ नहीं मिला। कमल दे दो बेटा। क्या चाहते हैं? क्या जान में क्या चाहते हैं बेटा? कमल स्टेशन पे क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ऐसा नहीं होगा बेटा, बुरा आदमी नहीं देगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम तो आपने देखा किस तरह लोग
ठंड से और इस पूस की रात में पाती ठंड से जूझ रहे हैं। जीएस न्यूज नौगछिया लाइव आपसे करता है अनुरोध, अगर आप घर से निकल रहे हो कहीं बाहर तो अपने साथ घर के पुराने कंबल चादर कपड़े जरूर लेकर निकलें, ताकि कोई सड़क पर आपको जरूरतमंद दिखे तो आप उसकी जरूर मदद करें। धन्यवाद। भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7992499821। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093004733, 7368 9147। IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 8 तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें आवासीय विद्या मंदिर।